पिछली बार कट किया ना तो मुझे यहाँ से पाइप दिखा था यार। अनबॉक्सिंग देख रहे हम लोग फाड़ते हैं, अनबॉक्सिंग नहीं हम लोग फाड़ते हैं। काम तो अच्छे से कर रहे हो। हेलो गाइस, जय श्री राम। तो अभी शाम हो चुकी है तो अभी हम लोग अभी जाके बाहर निकले। आज अपना दोस्त सामने खड़ा अविनाश भाई, देख सकते हैं आप, लॉर्ड अविनाश भाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए, जो कि नया वाइपर डलवाने का है और एक जो प्रेशर पाइप है ना जो पानी का वॉशर का वो फट गया है, तो डलवाने के लिए जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग के बिल्डिंग के बम्बू खुल चुके हैं भाई। लॉन्ग टाइम, कितने साल के बाद खुले? एक साल के बाद। एक साल के बाद खुले भाई हम लोग के पीछे बिल्डिंग है ना, बन के कलर भी हो चुकी है और ये अभी तक कलर ही हो रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं एक तो वाइपर के लिए और सेकेंडली वो वॉशर पाइप जो चूहे ने काट लिया था। तो आज अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, अंदर खड़ा रखने की जगह नहीं था। बम्बू निकाल रहे थे, बम्बू और अम्बू दोनों निकाल रहे थे। तो आज अपन निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली बहुत दिन के बाद गाड़ी को चालू करेंगे। बहुत दिन मतलब कल ही चालू किया था, समझ रहे हो, हम लोग का बहुत दिन कल ही होता है। तो पहले आपको दिखाते हैं चूहे ने हमारी गाड़ी पे क्या किया है। दिखाएंगे चूहे ने क्या किया है। ये पाइप को भी चूहा कट कर लिया, वॉशर का पाइप है पानी का, लेकिन पूरा कट कर लिया है। तो वॉशर का पाइप का फिर क्या आते हैं। और सेकेंड थिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइपर भाई, वाइपर पूरा ख़त्म हो चुका है, वाइपर भी डलवाना है। तो पहले हम लोग जाएंगे अभी एक बंदे के पास में, जो कि अंदर का पाइप का बताएगा क्या है कि नहीं, वो कर पाएगा कि नहीं, वरना तो कंपनी में जाना पड़ेगा। पॉसिबल रहेगा तो वो कर लेगा, वरना नहीं। मुझे लगता नहीं कि उससे होगा ये वाला, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कट कर लिया उसने। तो एक बार पूछ लेंगे उसको क्या भाई, उसका रिव्यू सुन लेंगे हम। बाद में जाएंगे सुजुकी का जो पार्ट्स का सर्विस सेंटर है इधर, उधर जाएंगे, उधर पूछेंगे वाइपर आया कि नहीं आया भाई। लाइट भी किसने गिरा दिया, किस बेसन ने। तो अभी निकलते यहाँ से, बताते आपको जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बाजू में ज़्यादा दूर नहीं है। और आज कैसे हम लोग शाम को निकले, अभी शाम के 5 बज रहे, क्या सुबह से बहुत सर भी पेन कर रहा था पूरा। पिछली बार कट किया ना तो मुझे यहाँ से पाइप दिखा था, यहाँ से एक पाइप था पीछे आने का, तो मैं टेप मार दिया था। आपके हरामी लोग ने इधर टेप मारा। हाँ मैं टेप मार दिया था, वो कट के ना हल्का था, कट कर दिया। तो भाई बोल रहे हैं कि जो शोरूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग ने पूरा खा लिया ये। या तो पूरा पार्ट ही खोलेंगे शोरूम वाले, पूरा पार्ट खोलना पड़ेगा भाई। लोहा तक कट कर दिया पूरा, कचरा देख रहे हो। इसको शोरूम में दिखाना पड़ेगा भाई बोल रहे हैं, यहाँ पे होगा नहीं ये अपने भाई। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि काम तो हुआ नहीं अपना, क्योंकि भाई ने देखा तो बोलते हैं वो कट कर लिया, इसमें कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा खोलना पड़ेगा और वो सर्विस सेंटर वाले अच्छे से करेंगे। तो पूरा काम भी है सर्विस सेंटर का, वो भी करवा देंगे, ये भी साथ में करवा देंगे। तो अभी बचा वाइपर वाला, अब जाएंगे अपन वाइपर वाले के पास। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा ब्लॉग ही बनाएंगे अपन, ऐसा सोच के रखा था, क्योंकि शाम को 5 बजे चालू किया है, पूरा दिन तो सोए थे हम दोनों। बट ऐसा लग रहा है आज भी 1-2 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा, क्योंकि इसके पास गए तो इधर बात बात की है भाई, वो बताए इसने क्या क्या है नहीं है। अभी जाएंगे वाइपर वाले के पास, उधर भी टाइम जाएगा। माई स्टैन पता है नहीं किया भाई, हम बाइक वालों को बोलते, साइकिल वालों को बोलना चाहिए। सेम अधिकार भाई, वो भी टू व्हीलर है ना भाई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सुजुकी के एसेसरी वाले शॉप पे, जो कि ये रहा जेनरिक पार्ट मिलता है सुजुकी वालों का, ये है। यहाँ पे अविनाश भाई तो बहुत बार आए हुए हमारे साथ में, तो इनके बाद जाएंगे यहाँ पे पूछेंगे
क्या है नहीं है। तो भाई हमारा वाइपर आ चुका है, उन्होंने बताया था आपको ब्लॉग में दिखाया गया, सब पार्ट मिलता है, फिल्टर वगैरह ये ना यार फिटिंग में होता है, पार्ट मिलता है चाहिए रहता है कहाँ से खुलेगा, इधर से निकल लो। अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भाई पीछे दोनों अगले ही है, पिछले का तो पिछले का डलवाया ना अपने को भाई, इससे मिलती है टीलर के तो मंगे है ना आया यार चमचमाता टीलर के वो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, दोनों वाइपर है अपने पास में, हम लोग इधर ही लगाएंगे सबके सामने, लगाना किस पास है रे उनके बुला देते सब कुछ आता है यार, तोड़ दिया मैंने या खुल गया है डाउट का रहा, तोड़ दिया मैंने हाँ, ये पूरा छोटा वाला ये बड़ा वाला, हम बड़ा वाला डालेंगे पहले। अनबॉक्सिंग देख रहे हम लोग फाड़ते हैं, अनबॉक्सिंग नहीं हम लोग फाड़ते हैं, ऐसा किसमें देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अरे यूनिक चीज़ें, यूनिक चीज़ें, यूनिक चीज़ें डालते कैसे, लगाना कैसे लगाना कैसे बात हो है। देख लो एक बार में हो गया, अच्छा बता रहा हूँ सेकेंड थोड़ी आ गया तो ये भी खुल गया, टूट गया नहीं टूट गया लगता है। इसमें कैसा रहता है पता है, खांचा रहता है जो कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कैसे डालना रहता है, सिर्फ डाल रहा हूँ ये तो एक बार में लग गया रे, देखो ब्यूटी ब्यूटी संभाल के डाल देते हैं अंदर भाई, तो ऑटोमेटिक टूट रहा है रे, टूट गया सामान टूट रहे भाई हमारे, उनको है ना जैसे मोड़ के डाल देते हैं अंदर। कैमरामैन फोकस करो कैमरामैन फोकस करो, कल पे सुतार पे फोकस करो कैमरामैन। तो फाइनली मेरे फ्रेंड निकलते हैं, अब वाइपर दिखाओ पहले, क्वालिटी दिखाओ वाइपर का, वाइपर भाई एकदम ना कांच एकदम चमका देंगे, पानी नहीं है ना आपको दिखाता, घर जाके ट्रायल में दिखाऊंगा पानी से, क्योंकि वॉशर का पाइप तो खा लिया हरा मैंने। अरे बस तो सिनेमेटिक लेगा क्या, तो अपने दो काम में से एक काम तो सक्सेसफुली हो चुका है जो कि था वाइपर का, और जो वॉशर का था वो अनसक्सेसफुल है कि उसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा अपने को, तो उतना बड़ा काम है, कम से कम एक दिन गाड़ी रखना पड़ेगा उधर, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अगले हफ्ते, पहले एक काम तो हुआ। अरे श्रवण भाई का फ़ोन आया, और भी श्रवण भाई का फ़ोन आया था, श्रवण भाई की गाड़ी पड़ गई है बंद, तो श्रवण भाई बोलते किधर है, आ जा धक्का मारने का है, मैं टोइंग करने का, मैंने मैं तो बाहर हूँ, तो अभी थोड़ा भूख वूख भी लग चुका है, तो जाते हैं अभी अपना फेवरेट फूड खाने के लिए, हम लोग का राष्ट्रीय फूड सूखा पूरी हम दोनों का पूरा और किसी का नहीं है। और जिसको भाई क्या होता, पिछली बार अपन घूमने गए थे ना अविनाश गोवर्धन, तो 6-7 लोग का मैसेज आया, बोलता हम लोग को भी आना था, पूछे नहीं हम लोग को ऐसा वैसा, तो नेक्स्ट टाइम फोन क्या करेंगे पता है क्या, इंस्टाग्राम पे एक दिन पहले डालेंगे हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, जिसको आना है कॉन्टेक्ट करो, उनका ट्रिप प्लान है फ्राइडे का, हाँ तो ऐसा ऐसा करेंगे ना तो पता चलेगा, वरना जाने के बाद बोलते हैं कि यार हम लोग को बोला ही नहीं, पर अपने को कैसा पता वो आना है कि नहीं आना किसी को, तो की बार ये करेंगे। तो भी लोग आए यहाँ पे शेवपुरी खाने के लिए, अपना नाश्ता करने के लिए रेगुलर है, तो पैसे का प्रॉब्लम है ना भाई, सूखा पूरी ये अपने मास्टर साहब है, इनके हाथ में जादू है, दो प्लेट बिल्कुल सर रेगुलर वही तो है भाई के पास, सीक्रेट मसाला भी है ये वाला, अभी तक इसका रेसिपी बताया नहीं मेरे को, बोलते हम लोग अपने गांव से लेके आए हैं। तो अभी अपना नाश्ता आ चुका है, देखो सूखा पूरी ये भाई हम लोग के लिए स्पेशल बनता, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये हम लोग के लिए स्पेशल बनता है,
इसमें ना बहुत सारी वैरायटी आती है, अंदर बहुत सारा माल आता है। अविनाश भाई पहले खा लेते हैं, पहले हम लोग खा लेते हैं, खाला भी दिख रहा हूँ मैं, पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। और घर जाके आपको वाइपर का मैं टेस्टिंग कराऊंगा पानी के साथ में, बोतल में पानी भरूंगा ना डालूंगा ऊपर। बाय करो। बाय नहीं करेगा तू आज? ये अपने को बाय करने से ना बोल रहा था पर मैं जबरदस्ती करवाया। इसको देखते रहो भाई, इसको देखते रहो, हक बनता है अपना। वाइपर का दिखाएंगे, वाइपर कैसा क्लीन कर रहा है यहाँ पर, दूसरे भी गाड़ी चालू करके दिखाएंगे। क्लीन तो कर रहा है ना, सही कर रहा है, क्लीन तो हो रहा है। अच्छा काम तो अच्छे से कर रहा है, पिछला से अच्छा कर रहा है ना क्लीन। भाई क्लीन अच्छा कर रहा है, तो सक्सेसफुल हो चुके हैं भाई, वाइपर काम कर रहे हैं हम लोग तो ना। पहले कैसा कि पूरा ब्लेड है ना, पहले पूरा ब्लेड चले गया था, ये ब्लेड है नया, दोनों नया है ना, क्लीन भी अच्छा हो रहा है। बाकी लाइट कैसा लग रहा है आपको? लाइट तो पहले से अच्छी है, देखो ढक्कन बंद है फिर पानी डाल रहे हैं। तो अभी हम लोग ने आपको सब कुछ दिखा दिया जो कि था काम, वाइपर का हो गया काम और वो पाइप का कुछ हुआ नहीं जो कि वॉशर पाइप का था, वो गाड़ी बाहर ही खड़ा किया है क्योंकि अंदर वो काम चालू है, ट्रक वर्क भी आया हम लोग के अंदर। तो फिलहाल हम लोग की बिल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है, बम्बू निकाल दिया तो भाई एकदम फुल प्राइम लग रही है भाई, कलर बहुत वाहियात है, अभी मुझे कसम से बोला बहुत वाहियात कलर किया है। तो फिलहाल के लिए बाय, जय श्री राम, जय श्री राम। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में अपन जाएंगे सर्विस सेंटर सोच रहे हैं इसका, उसके बाद वॉशर का काम करवाएंगे वही ना, उसके बाद बंदिर लेक, फिर वांद्री लग जाएंगे हम लोग बारिश खत्म होने से पहले पहले, बारिश खत्म हो चुका है, नवरात्रि भी आ चुकी है, उसके पहले हम लोग जाएंगे वांद्री लेक, अगर पानी खत्म हो गया तो मतलब नहीं है बाद में।